नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन्स। विपत्त जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन संबंधी विधेयक के प्रावधान प्रति मुख्यमंत्री राउत के संतुष्टि, सुधारल जेबाक मांग। नवगठित समाजवादी पार्टी दर्ता प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग में निवेदन देल गेल। संविधान संशोधन तत्काल नहीं भेला पर सरकार से बहरेबाक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यादव के चेतावनी। लोकसभा आयोग के विज्ञापन रद्द कर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस के मांग, संविधान आ कानून में कैल व्यवस्था अनुसार दोसर विज्ञापन निकाल दबाव। सप्तरी के राजविराज में रहल राज रंगशाला गौचर में परिणत, मरम्मत करबाक दिस केकरो ध्यान नहीं गेल। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर दो के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत विपत्त जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन संबंधी विधेयक सुधारल जेबाक धारणा रखने। प्रदेश सरकार बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में कैने विपत्त जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन मानसून पूर्व तैयारी संबंधी कार्यक्रम में ओ विधेयक केन्द्रित सोच आ एकात्मक के तरीका से बनाओल गेल कहित तुरंत सुधारल जेबाक मांग कयने। वो विधेयक बनाब बजाओल गेल विचार में प्रदेश सरकार के व्यवस्था कयल गेल सेहो उपराग व्यक्त कयलनि। जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन संबंधी ऐन बनाउँदाखेरि, खास में विधेयक संबंधी छलफल गराउँदाखेरि प्रधानमंत्री जी ले बैठक बोलाउनु भएको थियो। हामी सबै त्यसमा गएका थियौं। ढङ्गालालजी, दुर्भाग्य छ म भनौँ, म यसमा प्रधानमन्त्रीले भने त्यो बेला गृह सचिव प्रेम राई नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले प्रस्तुत गरेकोमा कि त सङ्घीय सरकारको त्यसमा विधेयकमा थियो कि त स्थानीय, मानव कि प्रदेश सरकार बिचमा त छँदैछ, मानव कि यो पनि सरकार हो, यसको पनि जिम्मेवारी छ र यसले पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। मुख्यमंत्री राउत तराई मधेशक लाइफलाइन के रूप में रहल चुरे विनाश भेनाई में कानून के समेत कमजोरी कार्यान्वयन रहल स्पष्ट कयलनि। कानून के कमजोर कार्यान्वयन के कारण से समेत एहन भेल हुनक कहब छलनि। ओ प्रदेश नंबर दू के जिला सब में भ रहल अत्याधिक बाउल गिट्टी उत्खनन के विषय में पुलिस प्रशासन के जानकारी भेलो पर ध्यान नहीं देने आरोप लगौलनि। प्रदेश सरकारले गर्ने या स्थानीय तह सरकारले गर्ने यो जम्मै हामी हाम्रो भूमिका यो आएको विपदलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, बढी भन्दा बढी प्रयास गरेर कसरी चाहिँ कम भन्दा कम क्षति हुन दिने, त्यही होइन यही सङ्घीय सरकारले ल्याएको जुन यो अहिलेको जुन अहिले मनसुन पूर्वको तयारीको सन्दर्भमादेखि लिएर सबै उहाँले राख्नु भएको एकदम डिटेलमा छ र मलाई के लाग्छ भने जब तिनटै तहबाट यस किसिमको संरचनामा जाने भइसकेपछि पहिले समय हेरिएको थियो। दुर्भाग्य छ, दुर्भाग्य के छ भने सङ्घमा पहिले पनि थियो, आज पनि छ, स्थानीय तहमा पहिले पनि र आज पनि छ, नभएका होइन। तर समय परिसकेपछि, समय आइसकेपछि गर्ने प्रहरी नै हुन्छ, आर्मी नै हुन्छ। कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव विपत्तमै सबसे बेसी जोखिम प्रदेश नम्बर दुईमै रहल धारणा रखलेने छ। विपत्त व्यवस्थापनमा हामीहरू चाहिँ एउटा उत्कृष्ट काम गर्नेछौँ, त्यो लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिले यस सम्बन्धी हामी चाहिँ लङ टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान पनि निर्माण गर्न खोजिरहेछ। कस्ता कस्ता किसिमका विपत्तहरू भइरहेछन्, आइरहेछन्, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीलाई कस्ता किसिमको स्ट्रक्चरको आवश्यकता पर्छ,
कस्ता किसिमको प्राविधिकहरुको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अहिले खेलिरहेका छौं, अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ। कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव विपदमा सबसे बेसी जोखिम प्रदेश नम्बर 2 मा रहल धारणा राख्ने छलेन। मन्त्री यादव प्रदेशमा विपद न्यूनीकरण गर दीर्घकालीन योजना सब निर्माण गर्बा क्रम जारी रहल सेहो जानकारी गराउनु छला। प्रदेश नम्बर 2 मा 3 महिनामा 16 गोटेके हत्या भेल तथ्यांक सार्वजनिक भेलै छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सार्वजनिक हेने प्रतिवेदन अनुसार यह अवधिमा महिला हिंसासँग 41 गोटे पीडित भेलै छ। तहिना 11 बलात्कार के घटना समेत भेलै छ। रिपोर्ट। प्रदेश 2 में 3 महीना में 16 गोटे के हत्या भेल तथ्यांक सार्वजनिक भेल छे। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक बुध दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन क सन 2019 के जनवरी फरवरी आ मार्च में क 3 महीना में मानव अधिकार अवस्था के तथ्यांक सार्वजनिक केने छे। जाय अनुसार अई अवधि में प्रदेश 2 में 106 घटना भेल छे, जाय में से 16 हत्या के घटना भेल छे। हत्या कैल गेल में राज्य पक्ष 1 पुरुष आ गैर राज्य पक्ष 5 पुरुष आ 10 महिला रहल छे। तहिना मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादती के घटना में सबसे बेसी महिला पीड़ित देखल गेल छे। प्रदेश भीतर गैर राज्य पक्ष आ राज्य पक्ष का महिला अधिकार उल्लंघन के घटना में 41 गोटे पीड़ित भेल इन्सेक जनौलक अछि। जाहि में से बलात्कार 11, बलात्कार के प्रयास 35, यौन दुर्व्यवहार घटना में 3 तथा डाइनक आरोप में 2, घराइसी हिंसा के घटना में 8 गोटे पीड़ित भेल इन्सेक प्रदेश 2 के संयोजक राजू पासवान जानकारी देलेन अछि। 23 जना बालिका 1 जना बालक पीड़ित भेल छ। तहिने अमानवीय व्यवहार में 2 जना पुरुष पीड़ित भेल अछि। तहिने घाइतेको घटना में कुटपिट में घाइते भएको घटना सब छै, गोली लग्ला सब छै, सिरामे गोली लागि घाइते सब छै। आके 1 महिला सहित 8 जना पीड़ित भेल अछि। तहिने आके हत्या के केस में 10 जना महिला सहित 14 जना, 10 जना महिला और 4 जना पुरुष के 14 जना पीड़ित भेल छै। ए 10 जना महिला प्राय सो घटना सब देखबै तो घरेलु हिंसा के घटना में आके महिला सब जान गेल छै। तहिना आई अवधि में बाल अधिकार उल्लंघन के घटना में 23 बालिका 1 बालक क 24 बाल बालिका पीड़ित भेल छै। जाय में से बलात्कार घटना में 14, यौन दुर्व्यवहारक घटना 13 आ बाल विवाहक घटना में 1 गोटे पीड़ित भेल तथ्यांक सार्वजनिक भेल छै। आई अवधि में धनसा में 11 वर्षक बालिका द्वितीया रसायली के बलात्कार बाद हत्या कैल गेल छल। प्रदेश में राज्य पक्ष गिरफ्तारी 1, पीटपाट 4 आ यातना के घटना में 1 गोटे पीड़ित भेल छै। अन्य पक्ष अपहरण घटना में 1 महिला सहित 3 गोटे, पीटपाट 2 आ अमानवीय व्यवहार घटना में 2 गोटे पीड़ित भेल छै। तहिना क अई अवधि में पीटपाट आ दुर्व्यवहार घटना में 8 पत्रकार पीड़ित भेल इन्सेक जनौलक अछि। इन्सेक प्रदेश 2 महासचिव रमेश चंद्र पौड़ेल देश में बहुत ऐन कानून बनलो पर लागू हेबाक वातावरण नहीं रहला से हत्या हिंसा के घटना भ रहल बतौलन अछि। अहिले पनि त्यो कुरा पूरै टुंगियो भन्ने त होइन, तर पनि एउटा निश्चित यसले एउटा उसमा पुगेको छ, एउटा ट्र्याकमा पुगेको छ। अहिले पनि त्यस्ता केही मुद्दाहरू छन् हाम्रो उसमा बाँकी छन्। संविधान संशोधनकै मुद्दाहरू पनि अहिले हाम्रा थाकिरहेका छन्। अरू यस्ता थुप्रै कुरा नागरिक र चाहिँ के अरे राजनीतिक अधिकारका कुराहरू केही न केही हामीले यसलाई अझै परिवर्तन गर्नुपर्ने गुन्जास हुन पनि सक्छ भोलिका दिनमा। मानव अधिकारक अवस्था के विषय में जानकारी देवाक उद्देश्य से अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक प्रदेश 2 8 जिला में भेल मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादती के घटना सबक अध्ययन आ विश्लेषण क के तथ्यांक सार्वजनिक केने जनौलक अछि। कैमरा में विकास कापड़ी के संग संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नवगठित समाजवादी पार्टी नेपाल दल दर्ता के लेल निर्वाचन आयोग में निवेदन देलक अछि। पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा पार्टी के संघीय परिषदक अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई बृहस्पति दिन दोपहर निर्वाचन आयोग में पहुंचकर दल दर्ता के लेल निवेदन देने अछि। संविधान आ कानूनी प्रावधान अनुसार निर्वाचन आयोग में दल दर्ता के लेल निवेदन देल गेल। पार्टीक संघीय परिषदक अध्यक्ष भट्टराई जानकारी देलन संहिता के पूर्ण कार्यान्वयन क के देश के सुशासन आ समृद्धि के रास्ता से आगा बढ़वित समाजवाद में पहुंचेबाक लक्ष्य सहित
तत्कालीन यादव नेतृत्वक संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ भट्टराई नेतृत्वक नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल बीच एकीकरण भएको बितल वैशाख 23 गते समाजवादी पार्टी नेपाल घोषणा कयल गेल छ। तपाईँहरू सबैलाई अवगत छ, देशमा लामो लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्षपछि 7 सालदेखिका आन्दोलन, 46 आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेसी आन्दोलन र विभिन्न आन्दोलनको बलमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन संविधान जारी भयो, त्यसपछि हामीले त्यो संविधानका अपूर्णताहरूलाई पूर्णता दिँदै देशमा सुशासन समृद्धि हुँदै एउटा समाजवादको दिशामा जाने भन्ने आज हाम्रो राष्ट्रिय मार्गचित्र छ। त्यही अनुरूप नै विगतमा लोकतन्त्रको निम्ति परिवर्तनको निम्ति लडेका राजनीतिक शक्तिहरू जो अहिले सत्तामा पुगेका छन् र मूलत दुईवटा शक्तिको रूपमा स्थापित छन्, उहाँहरूले विगतमा लोकतन्त्रको स्थापनाको निम्ति आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, त्यो इतिहासको सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर संविधान जारी भइसकेपछि जुन संविधानका अपूर्णताहरू छन् त्यसलाई पूर्णता दिने अर्थात् संहितालाई सही मर्म र भावनाका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अपूर्ण भएका कुराहरूलाई संविधान संशोधन गरेर पुरा गर्ने, यस अर्थमा संहितालाई पूर्णता दिने एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा। दोस्रो मुद्दा भनेको सुशासनको मुद्दा। आन्दोलनमा लागेका खटेका त्याग बलिदान गरेका पार्टी र नेताहरू सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको र देश एउटा कुशासनको चाहिँ एउटा दुष्चक्रमा फसेको जुन समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन चिन्ह दलदर्ताक लेल दिने निवेदनमा नै लिखल गेलै छ। अहिले किछु दिनमै निष्कर्ष लगाएका निर्वाचन आयोगमा बुझेबाक छ, पार्टी जनाउलकै छ। नवगठित समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधान संशोधन तत्काल नै कयल गेलापर सरकारसँग बाहर हेबाक चेतावनी देने छ। उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री सेहो रहल यादव संविधान संशोधन करबाक शर्तमा अपना सब सरकारमे सहभागी भेल कहित आभू संशोधन नै भेलापर बाहर हेबाक चेतावनी देने छ। बृहस्पति दिन दल दर्ताक लेल कान्ति पथ स्थित निर्वाचन आयोगके कार्यालय पहुँचल हो। संविधानमे रहल त्रुटि कमी कमजोरीके सुधार संविधान संशोधन केनाइके विकल्प नै रहल सेहो स्पष्ट कयलनि छ। अध्यक्ष यादव संविधान संशोधन करबाक आश्वासन देलासँ सरकारसँ बाहर हेबाक काज एखन धरि नै केने सेहो बतौलनि छ। र त्यही सम्झौताले हामी त्यहाँ सरकारमा रहेका छौँ। अब सभा के अरे संशोधन हामीले गर भन्दा कुरा गर्दाखेरि गर्छौँ भनिराखेका छौँ, गर्न आवश्यक छ देशका लागि र यो सङ्घीय गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि। अहिलेको संविधानमा प्रशस्त त्रुटिहरू रहेका छन्, कमी कमजोरीहरू रहेका छन्, कतिपय ठाउँमा त उल्टा पुल्टा पनि रहेका छन्। ती सबैलाई सच्याएर सुधारेर अगाडि बढेको खण्डमा देश र जनताको त्यसले हित हुने। तर संविधान संशोधन नहुँदाखेरि तत्कालीन नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रसँग संविधान संशोधन गर्भाक लिखित सहमति पश्चात यादव नेतृत्व तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएल छ। ओहि सहमति कार्यान्वयन कऽ कऽ आगाँ बढ़लापर देश आ जनताके हित हेबाक अध्यक्ष यादवके दावी अछि। राजपाक सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण संविधान संशोधन आ संविधान कार्यान्वयनमे सरकार प्रतिबद्ध नै भेलापर संसद छोड़िकऽ सड़क संघर्षमे उतरबाक चेतावनी देलनि अछि। प्रतिनिधि सभाक बृहस्पति दिनके बैसारमे ओ संविधान संशोधन आ संविधानके कार्यान्वयनमे गम्भीर बन सरकारके फेरसँ ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। संविधान संशोधनके माग करयवला सब एखन सरकारमे आ प्रतिपक्षमे सेहो रहल कहितो बीतल समयके प्रतिबद्धताके नै विसरा समेत चेतावनी देलनि। संसदमा यदा कदा 90% पारित भएको संविधानको कुरा सुनिराखे छु आज पनि। यो संविधान संशोधनको कुरा हामीले उठायौँ र मधेसी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबैले रगत बढाए यो संशोधनको लागि। यसलाई बिर्सन लागेको छ, मैले सम्झाउनको लागि यो उभिया छु। मेरो बायाँपट्टि बसेका सम्पूर्ण पार्टी तत्कालीन एमाले बाहेक 90%लाई घटाइदिए, 65% त संविधान संशोधनको पक्षमा नै आए।
संविधान संशोधन को पक्ष में आएका पार्टी मध्य आज सत्ता में पनि पार्टी छ, विपक्ष में पनि पार्टी छ, संविधान संशोधन बिर्सि सक्नु भएको छ, यो समझाउनको लागि म उपस्थित भएछु। केही पर्सेंट जुन बाकी थियो त्यसले पनि संविधान संशोधन गर्छु भन्ने कुराको वाचा पनि गरेका हुन्। तर संविधान संशोधन कहाँ हराएको छ, कहाँ गएको छ, यो विषयमा हामीले यो संसदमा यो आवाज उठाइराखेका छौं। हामीलाई संसदबाट नधकेल्नुस्। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामे दिन प्रतिदिन आन्दोलन आ जुलुस भ रहल कहित संविधानके कार्यान्वयनमे गम्भीर बन सरकारके ध्यानाकर्षण गराउने छलैन। ओ सरकार आ संवैधानिक निकाय संसदके मर्यादाके उपहास करबाक काज किने समेत आरोप लगौलैन। विदेशी विद्यार्थीहरूको ठुलो जुलुस थियो मण्डेलामा। मण्डेलाको जुलुस मलाई आश्चर्य लाग्छ। हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ। संसदीय व्यवस्थामा संसद सबभन्दा जनताको नजिकको थलो हो। जनताको आवाज यहाँ उठ्छ, जनताको प्रतिनिधि मार्फत यहाँ आवाज उठ्छ। तर लोक सेवा आयोगको सम्बन्धमा यही संसदीय समितिबाट निर्देशन गए भने लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले मान्दिन भनिराखे। यो संसदको उपहास हो कि होइन? संसदले निर्देशन जारी गर्ने, सरकारले नमान्ने, सम्बन्धित मन्त्रीले पनि नमान्ने भनिराखेका छ, लोक सेवा आयोग पनि नमान्ने भनेको छ भने अब यो लोक सेवा आयोगमाथि अर्को कुनै संस्था छ या यही संसद हो? यही संसदले निगरानी गर्ने बाहेक अन्य कुनै संस्था बनेको छ? सभामुख महोदय, संसदीय व्यवस्थाको हामी पनि एउटा हितैषी भएको कारणबाट यो प्रश्न उठाइराखेका छु। संसदको निर्देशन सरकारले नमान्ने, संसदीय समितिको निर्देशन लोक सेवा आयोगले नमान्ने हो भने त योभन्दा ठुलो उपहास संसदको हुँदैन। म सभामुख महोदय संसदको गरिमालाई कायम गर्नलाई आज बोलिराखेका छु। सांसदकरण संविधान देने अधिकार के माग केला पर दिन प्रतिदिन लाठीचार्ज करैत आयल कहित संविधान के की बनाब चाहै छी कहिके प्रश्न केने छलैन। सांसदकरण लाल आयोग के प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक कर सेहो सरकार के ध्यानाकर्षण गराउने छला। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम, विश्रामक बाद लोक सेवा आयोग के विज्ञापन रद्द करा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस के माग, संविधान आ कानून में कैल गेल व्यवस्था अनुसार दोसर विज्ञापन निकाल दबाव। सप्तरी के राजविराज में रहल राज रंगशाला गौचरण में परिणत, मरम्मत करबाक दिस केकरो ध्यान नहीं गेल। आ सुनसरी के ठहरी में घूस सहित एक इंजीनियर पकड़ायल, 1,00,000 घूस सहित अख्तियार के फंदा में। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आने बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह में कर्मचारी नियुक्ति करबाक लेल लोक सेवा आयोग से निकालल गेल विज्ञापन तत्काल रद्द कयल जेबाक चाही माग कयलकै छ। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा संविधान में लिखल गेल समावेशी सिद्धांत विपरीत खुलाओल गेल ई विज्ञापन तत्काल रद्द कयल जेबाक चाही पार्टी के ऐलान रहल स्पष्ट कयने छ। बृहस्पति दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में वही संबंध में संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति देने निर्देशन में अपन पार्टीक समर्थन रहल सेहो स्पष्ट कयने छ। प्रवक्ता शर्मा समिति से कहल गेल बमोजिम स्थानीय तह के कर्मचारी करार में रखबाक पक्ष में अपन पार्टी नहीं रहल सेहो धारणा रखने छ। अनुकूल को बनाएर लिएर गएर देशभरी प्रतिस्पर्धा में आउन चाहिरहेका युवाहरुको लागि ढोका खुला राख्नु भयो। राज्य व्यवस्था समिति में गएका साथीहरुले तत्कालीन सन्दर्भ में जे गर्नुभएको छ, तत्काल एउटा विषयवस्तु को सन्दर्भ में ठीक गर्नुभएको छ। मैले भन्दै गरेको के हो भने समस्या को चाहिँ सामान्य उपचार मात्रै नभएर समाधानको दीर्घकालीन कुरोलाई म भन्दैछु। नेपाली कांग्रेस पार्टीले तत्कालको विषयवस्तु मात्रै बोल्दैन नि। नेपाली कांग्रेस पार्टीले अब जाँदै गर्दाखेरि त्यो करारै प्रथम र अन्तिम हो भनिराखेर त सैछाप गरेर आएको छैन नि। तत्कालको विषयवस्तुको सन्दर्भमा एउटा कुरा आउला, तर दीर्घकालको कुरा के हो भन्दा लोकसेवाले नै फाइनल गर्ने हो,
तर लोकसेवाले गर्दै गर्दा राज्य राजनीतिक दलहरू सत्ता प्रतिपक्ष मिडिया सबैले भन्ने कुरा के हो भने संविधानले प्रत्याभूत गरे बमोजिमको हक अधिकार प्रतिस्पर्धी साथीहरूले प्राप्त गर्ने गरी कसैले पनि प्रतिस्पर्धाबाट आउने विषयलाई कुण्ठित नगर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तत्कालको टालटुले समाधान एउटा विषय हो, दीर्घकालीन कुराको बारेमा हामी तयार भएर जानुपर्छ। प्रवक्ता शर्मा वही विज्ञापन में आवेदन देनिहार सभक भावना के सम्मान कर से हो लोकसभा आयोग से विज्ञापन फिर से खुलाब विलंब ने कर से हो आग्रह कलने से कांग्रेस पहल चरण के जागरण अभियान से पार्टी प्रति जन आकर्षण बढ़ल निष्कर्ष समेत निकाल लगे से संघीयता र सिङ्गो लोकतन्त्रको रक्षा एवं सम्वर्धनको भूमिका नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने आम अपेक्षा पनि जागरण अभियानको क्रममा प्रकट भएको छ। त्यो हुँदै गर्दा सोही बमोजिमको आशा सोही बमोजिमको विश्वास नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीसँग गर्ने क्रममा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा समाहित हुन चाहने आकाङ्क्षा जागरण अभियान क्रममा देशव्यापी रूपमा देखिएको छ। र तपाईँहरू जान्नुहुन्छ कतिपय जिल्लामा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा लामो समय कम्युनिस्ट पार्टीमा कार्य गरेका साथीहरू पनि यसबीचमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। जिल्लाको विविध ठाउँमा नेतृत्व गर्नुभएका कतिपय ठाउँमा निर्वाचित भएर वडामा नेतृत्व गरिरहनु भएका साथीहरू लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा काम गर्नुभएका साथीहरू अन्य पार्टीहरूमा समेत सहभागी बन्नुभएका साथीहरू नेतृत्व तहदेखि लिएर साधारण सदस्य समेत गर्दै गर्दा हामी समक्ष अहिलेसम्म आइपुगेको विवरण अनुसार 31,642 यो एक महिनाको जागरण अभियानको प्रथम चरणको अवधिमा 31,642 नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ। प्रवेश गर्नुभएका सबै साथीहरूलाई विगतमा हामी प्रवेश गराउँथ्यौँ र प्रवेश गराइसकेर हामी उहाँहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा आफ्नै ढङ्गले सक्रिय बन्नुहुन्छ भन्ने भावना मान्यता पनि राख्थ्यौँ। तर अहिले जागरण अभियानसँगै नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले नवीन शैलीमा आफूलाई लिएर जाने क्रममा प्रवेश गर्नुभएका साथीहरूलाई अब पार्टीले मत कुनै आवश्यक क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी सुम्पिनु पर्व पूर्व पार्टीले आवश्यक प्रशिक्षण पश्चात उपयुक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्नेछ। कांग्रेस दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान आवला भादो 24 गते बीपी जयन्तीको दिन चाहिँ सुरु गरत वैसा पहिने कार्यक्रमको लेल आवश्यक निर्णय लेब अखारके तेस्रो सप्ताह केन्द्रीय कार्य समितिको विचार बजेबाग निर्णय कयल गेल छ। प्रवक्ता शर्मा जानकारी दिलेने छ। नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो चरणको कार्यक्रम सफल भेल आ वैसा जनतामे नयाँ ऊर्जा दिने दावी समेत कलकै छ। सांसद सब लोकसभा आयोग के विज्ञापन गुठी विधेयक लगायत विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलकै छ। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के विचार के विशेष समय में सांसद लोकनि लोकसभा आयोग के विज्ञापन रद्द कर संसदीय समिति देने निर्देशन कार्यान्वयन नै भेल कहित एहि दिस सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौलकै छ। सांसद प्रदीप यादव लोकसभा आयोग के विज्ञापन रद्द कर संसदीय समिति देने निर्देशन पालना नै भेनाई संसदीय गौरव आ मर्यादा के खिलाफ भेल बतौलनि। निर्देशन कार्यान्वयन केनाई के बदला लोकसेवा आयोग के कर्मचारी आ विभागीय मंत्री विभिन्न संचार क्षेत्र में संविधान अनुसार के विज्ञापन भेल कहित अभिव्यक्ति देबाक काज भेल प्रति ओ विरोध जनौलने छ। तेना सांसद उमा शंकर अरगरिया लोकसेवा आयोग संविधान में रहल समावेशी समानुपातिक सिद्धांत के लतिया के विज्ञापन आह्वान के कहित संविधान विपरीत के काज करे वाला के कार्यवाही कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलने छ। निर्णय गर्ने राज्य व्यवस्था समितिको कदमलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तामुक महोदय, जब रक्षक नै भक्षक भएपछि यो देशको लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ, देशबाट लोकतन्त्र जान सक्छ, देशमा अधिनायकवाद आउन सक्छ। सामुख महोदय, संविधानको समावेशिता सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरी लोकसभा आयोगको विभेदकारी विज्ञापनले तत्कालीन काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी पार्टीहरूको 2/3 भन्दा बढीको सभासदहरूले बनाएको संविधानलाई धजिया उडाउँदै देशमा पिछडिएका आदिवासी जनजाति दलित मधेसी महिला अपाङ्ग सङ्घीकृत विद्यार्थी र संहितामाथि सांघातिक हमला भएको ठहर गर्दै गम्भीर आपत्ति र घोर भर्त्सना गर्दछु। नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको 55% खुल्ला र 45% समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याई मनमौजी किसिमले विज्ञापन गर्न आयोगलाई हिम्मत कहाँबाट आयो? आयोगमा संविधान विपरीत विज्ञापन गर्ने निर्णय गर्नेमाथि कारवाही हुने कि नहुने? सामान्य सभामुख महोदय, लोकसेवा आयोगले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको भावना र मर्म विपरीत जारी गरेको विज्ञापन खारिज हुनुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने।
सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल संविधानक धारा 290 अनुसार सरकार गुटी विधेयक अन्य दावी कयने छ। ओ धर्म संस्कृति के रक्षा के लिए गुटी विधेयक आनल गेल कहत गुटी के प्रस्तावना लगायत दफा सब पढ़ के सुनौलने छ। किछ दिन से तथ्य दिस इंगित नै क गुटी विधेयक के विषय में गोयवल्स शैली के चर्चा कयल गेल राष्ट्र में गलत संदेश देबाक प्रयास कयल गेल ओ आरोप लगौलने छ। सर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकार सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने छ बनाउनु पर्ने छ भनेर लेखेको छ र भनेको छ कि गुठी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ। यो संविधानको प्रावधान अनुसार सरकारले विधेयक संसदमा ल्याएको छ र संसदको राष्ट्रिय सभामा अहिले त्यो दर्ता भएर अब छलफलको क्रम छ अनि प्रतिनिधि सभामा यो ढङ्गबाट छलफल गरेर राष्ट्रिय सभामा भएको विधेयकमाथि छलफल गर्ने र यो सन्देश दिने कुरा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमभित्र हामीले अवलम्बन गरेको डेमोक्रेसीभित्र यो कुरा पर्छ। सांसद प्रमोद शाह नागरिकता वितरण के काज फिर से रोकबाक काज भेल कहित संविधानक कार्यान्वयन कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलने छ। ओ लोकसेवा आयोग के विज्ञापन के संबंध में संसदीय समिति के निर्देशन कार्यान्वयन नहीं करबाक संवैधानिक निकाय के कार्यवाही करय पड़त तर्क रखलने छ। सांसद लोकन विभिन्न समसामयिक विषय में संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के उसका विचार के शून्य समय में सांसद लोकन अपन अपन क्षेत्रगत आ समसामयिक विषय में संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। सांसद विमला बिक संविधान समानुपातिक समावेशिता के हक प्रत्याभूति कने कहित अय के कार्यान्वयन कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलने छ। सांसद मेटमणि चौधरी देशभर के गुठी किसान सब सरकार अनैत काल गुठी विधेयक के पक्ष में रहल कहित न्याय आ समता में आधारित विधेयक आनिक गुठी पीड़ित किसान के न्याय दियाब सरकार संग अनुरोध कयने छ। सामाजिक न्याय को हक हुने छ भनि लेखेको छ र जस अन्तर्गत दलित थारू मधेसी खसारे सहित का 15 क्लस्टर का समुदाय का मान्छेहरुलाई राज्य का सबै निकायमा समानुपातिक समावेशको हक हुने छ भनेको छ। तर गत जेठ 15 गते लोकसेवा आयोगले 9161 जना कर्मचारीका लागि नयाँ विज्ञापन खोल्यो र उपरोक्त संविधानका व्यवस्थाहरुलाई उले कार्यान्वयन गरेन। के नेपालमा लोकसेवा आयोग संसद भन्दा ठुलो हो कि लोकसेवा आयोग सञ्चालन गर्ने ऐन निर्देशिकाहरु चाहिँ संविधान भन्दा ठुला हुन् त? यदि होइनन् भने त्रुटिपूर्ण रहेको छ त्यो आएको विज्ञापन र यो विज्ञापन आएदेखि आज अपाङ्गहरू व्हील चेयरमा बसेर आन्दोलितमा छन्, दलितहरू आन्दोलितमा छन्, थारू समुदायहरू आन्दोलित छ, मधेसी समुदायहरू आन्दोलित छ, तर यो त्रुटिपूर्ण विज्ञापनलाई सच्याएर पुनः अर्को विज्ञापन खोल्ने कुनै तर्खर देखिँदैन। त्यसैले संविधान कानुनको जननी हो। यति बेला गुठी विधेयकले बजार चर्चा पाइरहेको छ, पक्ष विपक्षमा बहसहरू भइरहेको छ। आजको दिन हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्मुख राज्य व्यवस्थामा छौँ, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, यसैले जनताहरूमाथि गुठी देवी देउता मन्दिर लगायत अन्य कुनै नाममा शोषण गर्न पाइँदैन। यसैले देशैभरिका 440,990 बिघा जमिनका गुठी किसानहरू सरकारले ल्याउँदै गरेको गुठी विधेयकको स्वागतको लागि तयारी छन्। आजै मात्रै 10,000 भन्दा बेसी जनता दाङको घोराई बजारमा गुठी विधेयकको पक्षमा गुठी पीडित किसानहरूको विशाल प्रदर्शन भइरहेको छ। सभामुख महोदय, गुठी विधेयक आम जनता र श्रमिक किसानहरूको पक्षमा छ, न्याय र समतामा आधारित छ। 21 औं शताब्दीमा कुनै पनि प्रकारको शोषण नसुहाउने भएकोले गुठी जग्गालाई किसानहरूलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरी गुठी पीडित किसानहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि अनुरोध गर्छु। सांसद भरत कुमार साथ धान रोपबाक समय शुरू भेल लगले रासायनिक मल अभाव देखाओल गेल कहित तत्काल डीएपी आउरिया खाद के व्यवस्था मिलाब सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छल। हाहाकार छ, कहीँ पाइँदैन र किसानहरू परेशान छन् र कृषि सामग्रीलाई कुरा गर्दाखेरि धानको त त्यति पुर्याउन सक्दैनौँ, गहुँको सिजनमा मनग्य पुर्याउँछन् भन्छन्, तर यस्तो अवस्थामा कसरी खेती गर्छन् किसानहरूले र यो तुरन्त डिएपी र युरिया पुर्या किसानलाई व्यवस्था गरियोस् भन्ने सम्मान्य सभा मार्फत सरकारसँग म आग्रह गर्छु। सांसद ब्रिजेश कुमार गुप्ता अनलाइन सेवा सञ्चालन केन्द्र पर मालपोत कार्यालय समय दक्ष जनशक्ति नै भेलासँग सेवा प्रभावित भेल कहित दक्ष जनशक्ति पठेबाक व्यवस्था गर्न सरकारके ध्यान आकर्षण गरौलनि।
सांसद राजेन्द्र कुमार केसी राजधानी काठमाडौँ के प्रवेश द्वार के रूप में रहल कलंकी नागढोगा सड़क खंड के निर्माण समय में संपन्न कर सड़क के दहिना अब्बम्मा जमीन परल स्थानीय सबके तत्काल मुआवजा देवाक व्यवस्था मिलाब मांग कने छलनि। नेपाली कंग्रेसक सांसद भीमसेन दास प्रधान गुठी सम्बन्धी विधेयक संविधान विपरीत भेल कहे तत्काल फिर्ता लेब सरकार के ध्यान आकर्षण करने प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के विचार में ओ संविधान के व्यवस्था विपरीत सरकार गुठी सम्बन्धी विधेयक अन्य दावी कलने राजधानी में गुठी सम्बन्धी विधेयक लगायत सरकार संविधान विपरीत अन्य विधेयक विरुद्ध काठमांडू में सब दिन विरोध प्रदर्शन आंदोलन सब भर कहे तो समय में सचिव सरकार के चेतावनी देने छन। म सम्बन्धित सभामुख मार्फत सरकारलाई म ध्यान गर्न चाहन्छु। अहिले जति पनि विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत भयो त्यो प्रत्येक विधेयकमा प्रत्येक ती क्षेत्रका आम नागरिकले चाहिँ त्यसको विरोध गरिरहेको छ। यो किन भइरहेको छ भनेपछि सरकारले सरकारवालासँग छलफल नगरिकन विशेषज्ञ छलफल नगरिकन विधेयक आफ्नो ढङ्गबाट चाहिने केन्द्रको रूपमा ल्याएको अवस्थाले अहिले जताततै चाहे त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयक किन्न होस् चाहे ह्युमन राइट्सको किन्न होस् चाहे अहिले लोकसेवा आयोगकै विज्ञापन कुरा किन्नुहोस् र अहिले आएर काठमाडौँमा प्रत्येक दिन जस्तै जुलुस धर्ना बसेको अवस्था र त्यो आइएल 169 ले त्यस्ता विरोध गरेको बाबु सरकारले बल जप्ती प्रयोग गर्न पाइने भनेको जस्तो तर अस्ति मण्डलामा विधेयकको बारेमा काठमाडौँका जनजाति आदिवासीले प्रोटेस्ट गरिरहँदाखेरि सरकारले लाठीचार्ज पानीका फोहरा घाइते बनाएको छ। त्यस कारणमा सामान्य सभामुखमा ती सम्पूर्ण सांसद प्रधान गुठी सम्बन्धी विधेयक मार्फत सरकार ऐतिहासिक प्रातात्विक धर्म महत्व संस्कृति आ सम्पदा उपर के आक्रमण करबाक काज केने बतौलनि। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा आजुक विचार प्रारम्भ भेल लगले नेपाली कंग्रेस आ राजपाक सांसद सब उठिकर सभामुख के ध्यान आकर्षण करौलाके बाद ओ भीमसेन दास प्रधान के बाजल लेल समय देने छलथि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा स्थानीय तह में कर्मचारी भर्ना के लिए लोकसेवा आयोग निकालने विज्ञापन संविधान आ प्रचलित कानून बमोजिम रहल दावी कलने सरकार के प्रवक्ता सेहो रहल बृहस्पति दिन संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब देवा क्रम में संविधान आ प्रचलित कानून अनुसार लोकसेवा आयोग के विज्ञापन आयल प्रतिक्रिया उदलने मंत्री बास्कोटा संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति नई बुझक इस संबंध में निर्देशन देने से धारणा रखने त्यस हिसाबले पनि जाला र बाँकी तिनवटा अनि न्यायालयको कुरै बेग्लै भयो। सरकार र संसद त यो चिज बुझेरै चल्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ, बुझेरै चल्नुपर्ने हो के छ अप्ठ्यारो भनेर। अब अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पारेपछि त सक्ने जति मात्रै गर्नुपर्ने होला नि त, अनि अब डेलिभरी त दिनुपर्ने होला नत्र फेरि जुलुस लागिहाल्छ। डेलिभरी पनि नदिने गीत पनि गाइरहने, सरकारले दिएन पनि भन्ने, अनि सरकारलाई अयोग्य करार गराउन त सहज त हुने खतरा पनि हुनसक्छ। त्यसैले यस्तो चिजबाट अलिकति कानुनको कसीमा कुनै त्यो लोकसेवाले गर्ने कुरा संवैधानिक हिसाबले वा कानुनी हिसाबले प्रचलित कानुनी हिसाबले वा आजको सङ्क्रमण व्यवस्थापनको सङ्क्रमणकाललाई छिटो सिध्याइदिनु पर्यो नि त। समाजवाद स्थापनाको महान लक्ष्य जो छ त्यसलाई प्राप्त गर्न, त्यसो भएपछि त्यसमा त अब धेरै बहस हो। मन्त्री बास्कोटा संसदीय समिति करारमे कर्मचारी नियुक्ति गर धेरै निर्देशन उपर सेहो प्रश्न एबाक सेहो स्पष्ट कलनि। मन्त्री बास्कोटा गुठी सम्बन्धी विधेयकमे देखल गेल समस्या सरोकारवाला निकायसँग परामर्श कऽ कऽ निष्कर्ष लगाओल जेबाक सेहो धारणा रखलनि अछि। सरकार देशके संस्कृति संरक्षण कऽ कऽ आगाँ बढ़ब प्रतिबद्ध रहल मन्त्री बास्कोटाके कहब छलनि। मन्त्री बास्कोटा मीडिया काउन्सिल विधेयकमे सरोकारवालाके जायज माग सम्बोधन कऽ सकबाक सेहो धारणा रखलनि अछि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त सेहो संघीय संसदमे पेश कयने गुठी विधेयकके तुरंत फिर्ता करब मांग करैत सरकार के दबाव दिलक। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी संयुक्त के अध्यक्ष दय पशुपति शमशेर राणा आ डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कर देश के धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष के धराप में पड़ित आनल गेल ई विधेयक तुरंत फिर्ता लेब सरकार के दबाव दिलने। ई विधेयक तुरंत फिर्ता नहीं लेला पर सरकार विरुद्ध आंदोलन में जाय बाध्य हेबाक अध्यक्ष राणा के चेतावनी अछि। सम्पूर्ण संस्कृति हाम्रो हिन्दू र बौद्धको संस्कृति मिलेर अगाडि बढ्ने, हिन्दूको परम्परा कायम राख्ने,
बुद्धिस्ट धर्मको परम्परा कायम राख्ने तिनका मन्दिर र पूजा आजा जात्रा सात्रा सबैलाई कायम राख्ने भएको हुँदाखेरिमा हाम्रो स्वाभाविक इस्यु हो यसमा यो विवेक फिर्ता लिएन भने हामी स्व यसरी उत्रिन्छौँ उत्रेर यसलाई फिर्ता गराउने स्थिति खडा गर्छौँ हिन्दू तथा बौद्ध धर्मके नष्ट करैत आयल अइ विधेयकके विरोधमे जनता रहल आ हुनका सबके परिचालन कऽ कऽ सरकारके ई विधेयक फिर्ता लेबा बाध्य बनेबाक अध्यक्ष राणाके कहबै छै दोसर अध्यक्ष लोहरी सरकारवाला निकायसँग परामर्श कऽ कऽ ओ सब देने सुझावके आधारमे अइ विधेयकके फेरसँ तर्जुमा करऽ सेहो सरकारके ध्यान आकर्षण करौलनि र यसको मतलब हामीले सुधार नगर्नु भनेको होइन गर्नुहोस् तर पहिले यो बिललाई फिर्ता लैजानुहोस् त्यसपछि तपाईँहरूले नै तोकेको जुन आयोग छ त्यो आयोगलाई को प्रतिवेदनलाई पर्खनुहोस् काठमाडौँ लगायत देशभरिका गुठियारहरू गुठीका नेताहरू मठ मन्दिरका नेताहरू सबैलाई बोलाएर सम्मेलन गर्नुहोस् यसका विज्ञहरूलाई बोलाउनुहोस् र यसलाई नेपालको मौलिकता र परम्परालाई संरक्षण गरेर राख्ने एउटा सशक्त संस्थागत संरचनाको रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा एउटा निचोडमा पुग्नुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त ई विधेयक तुरन्त फिर्ता नै लेलापर नेपाल कङ्ग्रेससँग मिलकर सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्बाक सेहो स्पष्ट कयलकै छ अपन न्यूजमे फेरसँ किछु देर व्यावसायिक विश्राम विश्रामक बाद सप्तरीक राजविराजमे रहल राज रङ्गशाला गौचरणमे परिणत मर्मत करबाक दिस ककरो ध्यान नै गेल आ सुनसरी कैठारीमे घुस सहित एकटा इंजीनियर पकड़ायल 1,00,000 घुस सहित अख्तियार के फंदामे पुनः स्वागत है सपन न्यूज में बने बाकी समाचार सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना आ संचालन संबंधी पहिल संशोधन कार्यविधि 2076 स्वीकृत कलकै छ मंत्री परिषद बैसार के पछिल्का निर्णय विषय जानकारी देव आयोजित पत्रकार सम्मेलन में संचार मंत्री बास्कोटा कार्यविधि स्वीकृत केने जानकारी देलने छ तेना सरकार सार्वजनिक खरीद नवम सातम संशोधन नियमावली 2076 सेहो स्वीकृत केने छ बैसारसँ इंटरनेट जरान करैत लगबाक राउटर लगायत के उपकरण इंट्रानेट लीज लाइन डाटा कनेक्टिविटी आ मरम्मत सम्भार शुल्कमे दूरसंचार सेवा दस्तुर छूट द कऽ इंटरनेट सेवाक मूल्य समायोजन करबाक निर्णय केने छ सरकार सिरहा भन्सार कार्यालय विस्तार के लेल आओर 4 बीघा आ ठाड़ी भन्सार कार्यालय विस्तार के लेल 2 बीघा 11 के 14 धूर क्षेत्रफल के जमीन प्राप्त कर जमीन प्राप्ति एन 2034 बमोजिम स्वीकृति प्रदान केने छ तहिना एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी विधेयक 2075 तर्जुमा कर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सैद्धांतिक स्वीकृति देने छ संसदीय समिति कानून विपरीत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन के काज नै कर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्रालय के सचेत करौलक संघीय संसदक प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के बृहस्पति दिन सिंहदरबार में बैसल विचार मंत्री चक्रपाणी खराल के समेत उपस्थित करा कर कानून विपरीत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन के काज नै कर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्रालय के सचेत करौलक कारण विपरीत नियमावली निर्देशिका मापदण्ड कार्यविधि बनाउने पाउल गेलाके बाद कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयके एहन किसिमके गतिविधि नै गर सचेत कराओल गेल समितिक सभापति रामनारायण बिराडी जानकारी देलनि छ बैसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसँग राष्ट्रिय गौरवके आयोजना सभक काम कारवाहीके विषयमे सेहो दोसर बैसारमे जानकारी लेबाक निर्णय कयलकै छ र कृषि मन्त्रीलाई नै यो समितिमा आमन्त्रण गरेर उहाँसँग छलफल गरेर सच्याउने र अबदेखि चाहिँ नि प्रत्यय विधेयकलाई अगाडि बढाउँदा कानुन बमोजिम बढाउने कुरा चाहिँ नि को बारेमा आजको बैठकले निर्णय गरेको छ दोस्रो चाहिँ भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कुरा कहाँ कहाँ पुगे कसरी भयो राष्ट्रिय प्राथमिकता राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू को हालत कस्तो छ लागत कस्तो छ बन्यो कति सकिन्छ कहिले भन्ने विषयमा भौतिक तथा यातायात मन्त्रीजीलाई बोलाएर उहाँसँग चाहिँ छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने पनि आज निर्णय गरे मलाई पनि चाहिएन समिति विभिन्न मन्त्रालय कारण विपरीत निर्देशिका जारी कऽ कऽ भ्रष्टाचार के नकैत निर्देशिका बद्दर करेबाक आ सरकार के संसद प्रति जवाबदेही बनेबाक योजना सेहो
आगा बढ़ौलक एखन समिति मंत्रालय आ संवैधानिक निकाय से आगा बढ़ाओल गेल प्रत्यायोजित व्यवस्थापन के काज के विषय में अध्ययन कर रहा संविधानविद टीकाराम भट्टराय संविधान से तोकल गेल थाई सीमा सबके ध्यान में राखि कानून निर्माण कर सरकार आ संघीय संसदक ध्यान आकर्षण करौलक संविधानविद भट्टराय सरकार उल्टा रास्ता से कानून निर्माण करवा काज कर रहा दावी करते ओय के तत्काल सुधार कर से मांग लेने संघ प्रदेश स्थानीय तह बीच समन्वय कायम कर आवश्यक कानून नहीं बनाकर संघीय सरकार मंत्रालय अंतर्गत के कानून निर्माण के काज के तीव्रता दकर उल्टा रास्ता चल रहा हुनक कहब बृहस्पति दिन संघीय संसदक विधान व्यवस्थापन समिति के विचार में राष्ट्रीय खेलकूद विकास विधेयक 2075 ऊपर के परामर्श में भाग लेत संविधानविद भट्टराय संविधान के धारा 235 अनुसार संघ प्रदेश स्थानीय तह बीच समन्वय कायम कर आवश्यक कानून बनाव से संघीय सरकार के आग्रह कलन दोसर संविधानविद खेमलाल देवकोटा राष्ट्रीय खेलकूद परिषद माथत रखैत खेलकूद सब संघ सबके व्यवस्था कर से सरकार के सुझाव दिलन ओ प्रदेश स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता राष्ट्रीय खेलकूद परिषद आयोजना करवा कानूनी व्यवस्था कर नहीं मिलवाक से स्पष्ट कलने संघ स्तर के प्रदेश से प्रदेश स्तर के स्थानीय तह से स्थानीय स्तर के कानून निर्माण कैल जेबा संवैधानिक व्यवस्था रहा से स्मरण कराने युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत विश्वकर्मा खेलकूद संघ सबके राष्ट्रीय खेलकूद परिषद माथत राख नहीं मिलवाक बतौलने मंत्री विश्वकर्मा खेलकूद संघ सब अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद संघ सबक माथत में से रहला से वह के राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के माथत राख नहीं मिलवाक बतौलन ओ खेलकूद संघ सबके स्वायत्त संस्था के रूप में कानून में व्यवस्था कर लागल समेत धारणा रखने आय संघीय संसदक विधान व्यवस्थापन समितिक विचार में राष्ट्रीय खेलकूद विकास विधेयक 2075 ऊपर के परामर्श में समितिक सदस्य सब उठाने प्रश्न के जवाब देवा क्रम में मंत्री विश्वकर्मा ओलंपिक चार्टर में नेपाल अनुबंधन भेला से खेलकूद संघ सबके राष्ट्रीय खेलकूद परिषद माथत नहीं राख स्वायत्त निकाय के रूप में रखबा कानूनी व्यवस्था कर पड़ल से धारणा रख लेने बीतल समय में खेलकूद प्रतियोगिता सबसे होत आयल सप्तरी के राजबिराज स्थित राज रंगशाला आवश्यक मरम्मत एवं संरक्षण के अभाव में एखन गौचरण में परिणत भ गेल अछि खेलकूद के लिए निर्माण कैल गेल रंगशाला गौचरण के संगे औद्योगिक मेला आ राजनीतिक दल सब सभा सम्मेलन करय वाला स्थल के रूप में प्रयोग होबय लागल अछि सप्तरी से एम के माझी के रिपोर्ट ई दृश्य कोनो गौचरण के नै छै बल्कि खेलकूद के विकास आ संवर्धन के लेल बनाओल गेल सप्तरी के राजबिराज स्थित राज रंगशाला के दृश्य छै कोनो समय स्थानीय मात्र नै भ राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता सब समेत होइत आयल ई रंगशाला खेलकूदक विकास आ संवर्धन से बेसी अखन आबि कऽ अपन समर्थन के क देत एकर प्रतीक्षा कऽ रहल छै उचित मरम्मत संभार आ देखभाल नै भेला से एक दिस राज रंगशाला जीर्ण बनत गेल छै त दोसर दिस धीरे धीरे अतिक्रमण के चपेट में पड़त गेल छै सप्तरी के धरोहर के रूप में रहल ई रंगशाला के संरक्षण में क्यों चाख नै देला से खेलकूद गतिविधि ठप भ चुकल छै खेलकूदे नै भेला से रंगशाला के दुरुपयोग सेहो बढ़ लागल छै गौचरण में परिणत भ चुकल ई रंगशाला अखन आबि कऽ औद्योगिक मेला भोज भात तथा राजनीतिक दलक सभा के लेल प्रयोग होवय लागल छै रंगशाला के 7000 दर्शक अटाय वाला क्षमता भेल पैराफिट जीर्ण भ चुकल छै पैराफिट नीचा वर्षो से विभिन्न व्यक्ति सब बसोबास कर रहल छै पैराफिटे अतिक्रमण क 20 वर्ष दू दर्जन परिवार रहत अयला पर खाली नहीं कराओल जा सकल छै रंगशाला के स्वामी तो राजबिराज नगर पालिका 21 वर्ष पहिने ही जिला खेलकूद विकास समिति के देने छल जिला खेलकूद विकास समिति के कार्यालय प्रमुख दिनेश भुजेल बेर बेर अतिक्रमित स्थान खाली कराबा सूचना देला पर ओ सब नहीं मान रहल बताय रहल छै प्यारा फिट जीर्ण आ अतिक्रमण भेनाय आ वही कारण से बीतल 15 वर्ष रंगशाला के खेल मैदान में कोनो भी प्रतियोगिता आ अभ्यास समेत होव नहीं सकल छे अखन खेल मैदान आसपास दिशा पिशाब के निहार सबक संख्या सेहो बढ़त गेल छे 2036 साल में तत्कालीन अंचलाधीश लक्ष्य बहादुर गुरुंग के समय में निर्माण भेल राज रंगशाला से पानी निकास में समस्या भेला से वर्षा के समय में जलमग्न समेत होइत आयल छे 2 बीघा 7 कट्ठा 4 धूर जमीन में पसरल राज रंगशाला के अवस्था प्रति बेर बेर मंत्रालय आ राष्ट्रीय खेलकूद परिषद में लिखित तथा मौखिक तगेदा कैलो पर आश्वासन बाहे किछ नै पौने स्थानीय खिलाड़ी तथा खेल प्रेमी के उपराग अछि
त्यहाँबाट यसो विकासको काममा चाहिँ बाधा नै पुर्याइरहेछ जनप्रतिनिधिहरूले हेर्दाखेरि, किन भन्दाखेरि अब त्यो रङशाला आज होइन लगभग 1.5-2 वर्षदेखि हामी हेरिरहेका छौँ, त्यहाँ खेल्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ, त्यो माटो हाल्ने नाममा त्यहाँ धान्धली गरिरहेको छ। हामीले एकचोटि बिचमा धान रोपाई कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ, त्यसमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको थियो र त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि खास तिनीहरूले केही कदम पनि चालेन र यसको अवस्थाले गर्दा अहिले हाम्रो राजविराजको मुटुमा रहेको अवस्था त्यो राजरङशालामा खेल्ने बालबालिका खेलाडीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो भयो। जर्जर अवस्थामा रहल रङशालाकै कारण खेलकुद गतिविधि सेहो ठप छ, जाहिसँ नयाँ खेलाडीके उत्पादन होनाइ त दूरके बात छ, पुरान खेलाडी सब सेहो पलायन हेबाक अवस्था बढ़ैत गेल कहैत खेलाड़ी तथा खेल प्रेमी सब अविलम्ब एहि दिस सम्बन्धित निकायके ध्यान देव आग्रह कऽ रहल अछि। पहिला अब नगरपालिकाको अन्डरमा थियो, तर अहिले चाहिँ अब जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अन्डरमा त्यो राजरङशाला छ, तर यसको जुन संरचना छ र जुन डिजाइन छ त्यसको पहल आजसम्म जिल्ला खेलकुद विकास समितिले गरेन। एउटा डिजाइन पनि म हुँदाखेरि एउटा डिजाइन बनाएर ल्याएको थियौँ हामीले, त्यसको पहल राम्रो यो विषयमा राम्ररी चासो नलिकन यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै थन्काएर राखेको, जबकि यो यति ठुलो सम्पत्ति नगरपालिकाले जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाममा दर्ता गरायो, यसको फलस्वरूप के छ भने त्यहाँ व्यवस्थापनै छैन, यसको कुनै प्लानिङै गरेको छैन। जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा यस्तो अहिले अब कर्मचारीहरू हुन्छ कि यसको प्लानिङै गर्न सकिरहेको छैन। सरकार खेलकुद गतिविधि बढेबाक लेल ठाम ठामे नयाँ रङशाला निर्माणक योजना सब आनि रहल छ, मुदा पहिनहिसँ रहि रहल रङशाला सब मरम्मतके सञ्चालनमे आनबाक दिस ध्यान नहि देने छै। अपन टेलिभिजनक लेल सप्तरीसँ एमके माझीक रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुनसरीकै ठहरीसँ एकटा इन्जिनियरके घुससहित बृहस्पति दिन पकड़लकै छ। अख्तियार टोली जिल्ला विकास समिति सप्तरीमे कार्यरत इन्जिनियर विकास श्रेष्ठके घुस रकम सहित ओकर निवाससँ पकड़लकै छ। इंजीनियर श्रेष्ठ काज सम्पन्न नहि भेल, झुलंगे पुल के फाइल आगा बढ़ा देवाक कहित उपभोक्ता समिति से 1,00,000 घूस लेने जनाओल गेल। 2070-71 के योजना अंतर्गत एखन सप्तरी के डाकनेश्वर नगर पालिका स्थित तरही आ देउरी बीच में स्वर्ण खोला जोड़ वाला काज सम्पन्न नहि भेल, झुलंगे पुल के फाइल आगा बढ़ा देवाक कहित ओ लेने घूस लेने अख्तियार जनौलक। हमर घूस सहित पकड़ायल इंजीनियर श्रेष्ठ के आवश्यक प्रक्रिया पूरा कर इटहरी स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में ल गेल। रामरतन स्मृति प्रतिष्ठान जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 8 में रहल जान के वृद्धाश्रम में खाद्यान्न सामग्री सहयोग कलक। प्रतिष्ठान के अध्यक्ष अरविंद महतो चीनी अल्लू तेल लता कपड़ा सहित सामग्री हस्तांतरण कलने। वृद्धाश्रम में बृहस्पति अध्यक्ष महतो खाद्य सामग्री जानकी वृद्धाश्रम के संचालिका सीता अधिकारी के हस्तांतरण कने। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन संबंधी विधेयक के प्रावधान प्रति मुख्यमंत्री राउत के संतुष्टि, सुधार कयल जेबाक मांग। नवगठित समाजवादी पार्टी दर्ता प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग में निवेदन देल गेल। संविधान संशोधन तत्काल नहीं भेला पर सरकार से भरेबाक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यादव के चेतावनी। लोक सेवा आयोग के विज्ञापन रद्द कर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस के मांग, संविधान आ कानून में क्याल व्यवस्था अनुसार दोसर विज्ञापन निकाल दबाव। आ सप्तरी के राजविराज में रहल राज रंगशाला गौचरण में परिणत, मरम्मत करबाक दिस केकरो ध्यान नहीं गेल। अपन न्यूज अखन के लेल एतबे, पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।